तो हेलो गाइज, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइज, आज मैं आया हूँ रिठाला मेट्रो के नज़दीक, एक मेट्रो वॉक है तो वहाँ पे आया हूँ। और आज मेरे साथ आया है मेरा दोस्त, जो गांव से मेरा दोस्त है राजीव। तो क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। तो इसको आज घुमाता हूँ मैं इसके अंदर। तो हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है मेट्रो वॉक। और ये देखो कितनी बड़ी पार्किंग हमने बाइक वहाँ पे खड़ी कर दी है। और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे। तो बने रहो हमारे वीडियो में और बढ़ते रहो आगे। ओके, एंट्री होते हुए कुछ इस तरह का व्यू आपको मिल जाएगा। तो देखो कितना खूबसूरत व्यू है। और हम लोग शाम में गए थे गाइज, तो शाम में कुछ इस तरह का व्यू आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे हम कई बार जा चुके हैं, क्योंकि हम जिधर रहते हैं उधर से यहाँ ये नज़दीक पड़ता है। और फ़ोटोशूट या कहीं पे छुट्टी होता था पहले, तो हम यहीं पर चले जाया करते थे। और काफ़ी अच्छा भी है, पास का पास है। और शाम का व्यू देखो, अब लाइट भी जलने लगेगा तो आपको इस तरह का व्यू मिल जाएगा। और जाते ही ये सब पहले था नहीं बाहर में, लेकिन अब यहाँ पे ये रख दिया है, तो काफ़ी अच्छा बच्चे को खेलने वाला है, तो और भी अच्छा लगेगा। तो आप चलो मेट्रो वॉक का दर्शन करवाते हैं आपको। ये देखो कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, तो मेट्रो वॉक है और एडवेंचर आइसलैंड के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे भी फ्लाइट पे रेस्टोरेंट है। और ये भी जो दिख रहा है आपको, ये भी खिलौने वाला जगह नहीं था, तो अब यहाँ पे रख दिया है, काफ़ी चल रहा है। तो चलो एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पे भी एरोप्लेन में रेस्टोरेंट है, तो इसके अंदर तो हम लोग गए नहीं, क्योंकि इससे पहले जो आप वीडियो देख चुके होंगे कि इससे पहले जो नोएडा का था मेरा फ़्लाइट वाला रेस्टोरेंट, उसमें हम गए थे तो अच्छा लगा, तो यहाँ पे हम लोग नहीं गए। तो शाम भी हो गया था और दोस्त आया था उसको घुमाने के लिए। हम लोग सोचे कि उसको घूमना था, तो हम सोचे यार नज़दीक में चलो, तो नज़दीक में यहीं पे आ गए हम लोग घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा है, देखो यहाँ पे आपको यदि बुक भी चाहिए तो बुक मिल जाएगा। काफ़ी सारा रेस्टोरेंट है और आपको इंजॉय करने के लिए ये तालाब मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है। तो आप आओ। और यहाँ का एंट्री करने का कोई भी चार्ज नहीं है। और जब आप या बाइक से या कार से आओगे तो पार्किंग चार्ज आपको लगेगा। जो पार्किंग चार्ज बाइक का है 30 रुपया और कार का है 50 रुपीज, तो आप उसी का चार्ज लगेगा। बाकी आप इसके अंदर काफ़ी अच्छा से घूम सकते हो आप। और इसके अंदर में मॉल भी है, तो आप मॉल भी घूम सकते हो। और देखो पेरिस में आ गया मैं, और वो जो रास्ता आप दिख रहा है वो उसके अंदर जब आप जाओगे तो उसका 750 रुपये एंट्री है। जो आप इसके अंदर में बहुत सारे स्विमिंग पूल है, जब आप गर्मी के मौसम में जाओगे तो आप स्विमिंग पूल है और भी बहुत सारे खेलने वाले जगह हैं। तो इसके अंदर तो हम लोग गए ने बाहर बाहर ही सारा अपना देख लिए। और देखो कितना अच्छा व्यू आपको नज़र आ जाएगा। तो बने रहो वीडियो में और भी आगे दिखाते हैं आपको। Thank you.
नीचे से अब ऊपर आ गए हैं, तो ऊपर से भी आपको व्यू दिखा रहा हूँ। तो देखो वो सामने दिख रहा था आपको एरोप्लेन, जो रेस्टोरेंट था आपको बता ही दिया हूँ कि उस रेस्टोरेंट में भी वैसे ही है, आप इसमें भी जाकर के खाना खा सकते हो, उसके विंग्स पे बैठ कर के आप पार्टी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी सारा हो सकता है। और ये ताऊ हमें मिल गए जो बोल रहे थे कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आओगे तो तुम्हें लट से कूट दूंगा, हमें मिल गया ऑर्डर पुलिस वाले से। तो मैं कहा ताऊ जी हमें खाना नहीं है अभी, अभी हम थोड़ा वीडियो बना लेते हैं फिर आपके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो झूठ बोल के वहाँ से निकल गया। तो आप ऊपर से भी देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है गाइज, मस्त। तो ये भी देख लो, कुछ स्टिकर है, स्टिकर टाइप बनाया है, जो इसको हाथ बांध दिया इसका हाथ भी दुखता होगा अभी, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ये देख लो, देखो गाइज एक बच्चा है उसको डर लग रहा है कि वीडियो गेम खेलने से, उसकी जो बहन है वो बोल रही है कि नहीं भाई तू खेल मेरे लिए, खेल मेरे लिए, खेल तू इंडिया जीत लेकिन खेल। तो गाइज वहाँ से हम लोग आ गए मॉल में, तो पास में ही मॉल था तो हम लोग मॉल आए गए, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखो कुछ इंजॉय किया, कपड़ा कुछ लेना तो लेना तो था नहीं, बस आके कुछ थोड़ा बहुत टाइम पास हो गया। और ये देखो बॉक्सिंग, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस, यदि ये हाथ में लगाए रहते हैं तो इसमें चोट तो लगता नहीं है, तो फिर बॉक्सर लोग को जब खेलते हैं तो उसका मुंह वगैरह कैसे फूट जाता है, उसका नाक फूट जाता है, कभी ब्लीडिंग होने लगता है, पता नहीं। इससे थोड़ा बहुत तो लगता है चोट, लेकिन उतना नहीं लगता है। अच्छा आप गिर जाओगे, ऐसे मत खड़े रहो। ये देखो मॉल के अंदर हमें कैरम मिल गया और वो भी खाली था, तो हम लोगों ने सोचा कि देखो कितने दिन बाद कैरम खेलते हैं, तो हम अपने वो जो गोटी था उसको एक ही जगह करके खेल रहे थे, तो इतने दिन बाद खेले तो अच्छा भी लगा, और खाली खाली था तो क्या करते खेल लिए। और मसाज वाला मिल गया मुझे, तो हमने थोड़ा मसाज भी कर लिया। और देखो मॉल कुछ इस तरह का है, तो हमने तो वीडियो ही बना लिया पूरे। तो गाइज वीडियो हो गई है एंड, तो यहाँ से एग्जिट होते हैं। तो गाइज आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, ओके।